हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज कबीर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल टेक्निकल विश। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक्सबॉक्स जो पीसी के लिए ऐप आती है उसके गेम्स को अपनी स्टीम की लाइब्रेरी में कैसे ऐड करोगे। उसके लिए गाइस, आपको जो आपका एक्सबॉक्स है, जो भी आपने गेम इंस्टॉल किए हैं, उसकी आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि आपने गेम कहाँ पे इंस्टॉल किया है। अगर आपने जिस ड्राइव में इंस्टॉल किया है उस ड्राइव में चले जाना है। अगर आपने सी ड्राइव के अंदर गेम को इंस्टॉल किया है तो आपको सिंपली प्रोग्राम फाइल्स में जाके यहाँ पे विंडो एप्स नाम का फोल्डर देखने को मिल जाएगा। अगर आपने डी ड्राइव ई ड्राइव में किया है तो आपको सामने ही विंडो एप्स का फोल्डर देखने को मिल जाएगा। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये फोल्डर ओपन नहीं होता, इसके लिए आपको परमिशन देनी पड़ेगी। तो उसको परमिशन देने के लिए सिंपली आपको राइट क्लिक करना है विंडो एप्स के फोल्डर पर, प्रॉपर्टीज़ पर जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको सिक्योरिटी पर जाना है, सिक्योरिटी में एडवांस पर आपको क्लिक करना है। एडवांस में क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको चेंज पे क्लिक करना है। चेंज पे यहाँ पे आपको अपना चाहे तो यूज़र नेम भी डाल सकते हैं या एवरीवन भी लिख सकते हैं। तो गाइज़ मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पे डालूंगा और चेक नेम्स पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे मेरा नाम प्रॉपर तरीके से आ गया। और आपको ओके कर देना है और यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक कर देना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। तो आप देखोगे चेंजिंग ऑनरशिप स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको वेट करना है। फिर उसके बाद गाइज आपको ओके पे क्लिक कर देना है, देन उसके बाद फिर ओके पे क्लिक कर देना है। लेकिन अभी भी आप फोल्डर खोल नहीं पाओगे, उसके लिए फिर से आपको एक बार राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, देन उसके बाद सिक्योरिटी में जाना है और उसके बाद फिर आपको एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट प्रिंसिपल पर क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आपने एवरीवन डाला था तो एवरीवन लिखना है। अगर अपना यूज़र नेम डाला है वही यूज़र नेम डाल के भी आप चेक कर सकते हो, तो ओके कर देना है। तो आप देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल गए हैं, मैं सिंपली फुल कंट्रोल पे क्लिक कर दूंगा। फुल कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा, अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। देन आप देखोगे कुछ और इन्फॉर्मेशन चेंज होना शुरू हो गई है, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो गाइज इसके बाद आप देखोगे सब कुछ अप्लाई हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है, देन फिर ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज आपको डबल क्लिक करना है अपने विंडो एप्स के फोल्डर पे। तो आप देखोगे आपका विंडो एप्स का फोल्डर खुल गया है और आपने जो गेम इंस्टॉल कर रखे हैं उनके कुछ फाइल इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। और हर गेम के अंदर .exe फाइल होती है, आपको वो ढूंढनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा मेहनत लग सकती है आपको। जैसे मेरे पास आरागामी है और ये फोर्जा होराइज़न 5 है, तो आप देखते हो फोर्जा होराइज़न 5 की .exe फाइल मुझे यहीं पर देखने को मिल जाती है। उसी तरीके से मुझे अरागामी की भी .exe फाइल यहां पे देखने को मिल जाती है। के बाद गाइस हमें क्या करना है, अपने स्टीम पे जाना है। स्टीम पे जाने के बाद आपको यहां पे ऐड गेम का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहां पे आपको ऐड अ नॉन स्टीम गेम पे क्लिक करना है। जब आप ऐड अ नॉन स्टीम गेम पे क्लिक करोगे के बाद आपको यहां पे जाना है ब्राउज पे। ब्राउज पे जाने के बाद आपको सी ड्राइव में जाना है जहां पे आपका विंडो इंस्टॉल है, उसके बाद विंडोज के फोल्डर में जाना है। उसके बाद नीचे की साइड आपको explorer.exe पे क्लिक करके उसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इस पर चेक लगा रहेगा, उसके बाद आपको ऐड सिलेक्टेड प्रोग्राम पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप देखोगे यहाँ पे एक्सप्लोरर नाम से फाइल आ जाएगी, उस पर आपको राइट क्लिक करना है एक्सप्लोरर वाले पे और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके चाहो तो इसका आइकन भी चेंज कर सकते हो। देन उसी तरीके से आप यहाँ पर इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे मुझे आरागामी लिखना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा आरागामी तो उसका नाम दे दूंगा। आइकन पे क्लिक करके आइकन भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्राउज़ का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद जो हमने विंडोज़ का ऐप्स को भी ओपन किया था वहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे हमारी विंडोज़ ऐप्स देखने को मिल जाती है। इस पर डबल क्लिक करना है और आरागामी वाली जो गेम है उस पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आरागामी 2.exe की फाइल है उस पर क्लिक करके ओपन कर देना है। तो इस तरीके से आप देखो गाइस हमारा आरागामी स्टीम की लाइब्रेरी में ऐड हो गया। अब मैं इसे आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। जब मैं प्ले पे क्लिक करूँगा तो गाइस आप देखोगे मेरा गेम आरागामी स्टार्ट हो गया और ये सक्सेसफुली स्टीम में ऐड भी हो गया। तो गाइस आप इसी तरीके से स्टीम की लाइब्रेरी में अपने एक्सबॉक्स गेम्स के गेम को ऐड कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।